कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। ग्वालियर गोले का मंदिर कालपी ब्रज कॉलोनी में बुधवार को हंगामा खड़ा हो गया। बिजली कंपनी की टीम चोरी करने वाले उपभोक्ताओं के मीटर जब्त करने पहुंची थी। इस पर उपभोक्ता भड़क गए। उसने बिजली कंपनी की टीम के साथ गाली गलौज करते हुए लाइनमैन की पिटाई कर दी, साथ ही नया मीटर भी तोड़ डाला। सहायक प्रबंधक शिवानी अग्रवाल वरिष्ठ अधिकारियों को पूरे मामले से अवगत करा रही थी, तभी बिजली कंपनी की टीम पर भड़का सुरेंद्र कुशवाहा बोला, जितनी पुलिस फोर्स बुलाना हो बुला लो, हम किसी से कम नहीं है। मारपीट के बाद बिजली कंपनी की टीम के वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मारपीट करने वालों के विरुद्ध शासकीय कार में बाधा समेत दूसरी कई संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकता दर्ज कर ली है। हंगामे का वीडियो भी वायरल हो गया है। बिजली कंपनी के सूत्रों के अनुसार सहायक प्रबंधक मध्य क्षेत्र मुरार मंडल शिवानी अग्रवाल बुधवार दोपहर करीब 1 बजे कालपी ब्रज कॉलोनी में ब्रिगेडियर बंगले के पीछे एक 3-फेज कनेक्शन पर बिजली चोरी की शिकायत पर मीटर जब्त करने पहुंची थी। बिजली कंपनी की टीम अपना काम प्रारंभ ही कर पाई थी, तभी उपभोक्ता के परिवार के सदस्यों में से सुरेंद्र कुशवाहा, छोटू कुशवाहा गाली गलौज करते हुए आए और लाइनमैन धीरज यादव, लाल किशन कुशवाहा और दिलीप के साथ धक्का मुक्की करते हुए उनकी पिटाई कर दी। इन लोगों ने लगने के लिए लगाया गया नया मीटर भी तोड़ डाला। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शिवानी अग्रवाल की शिकायत पर सुरेंद्र कुशवाहा, छोटू कुशवाहा और मीरा के विरुद्ध शासकीय कार में बाधा की प्राथमिकता दर्ज कर ली है। हंगामे का वीडियो भी बिजली कंपनी के कर्मचारियों ने पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। मामला दर्ज हुआ है, शासकीय कार में बाधा लगी है। क्या पूरा मामला था, किस तरह? ग्वालियर के थाना गोले का मंदिर क्षेत्र में बिजली कर्मचारियों द्वारा एक FIR दर्ज कराई है, जिनमें उसने शासकीय कार्य करने से रोकने, मारपीट करने, नुकसान करने और झगड़ा करने और अश्लील गालियों के संबंध में रिपोर्ट की है। उनकी रिपोर्ट पर से प्रथम दृष्टया अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उनका कहना था कि जब वो अपने कार्यस्थल पर गए और बिजली का बिल के संबंध में मीटर चेक कर रहे थे, उसी समय एक परिवार द्वारा उनके साथ ये झगड़ा किया गया और उसमें पुलिस बल की आवश्यकता होने से थाने से पुलिस गई और मामले को उन्होंने समझाया दोनों पक्षों को, उसके बाद FIR।